वंश न्यूज दलित पीड़ित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेहा टेकम आपके लाइव एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। अरे इधर आओ, ओ अरे इधर से जाओ ना, अरे इधर से जगाए ना। नहीं वो इकड़ इधर से आओ ना, हो काय को निकल रही, इधर से आओ ना, पत्थर है ना। नागपुर पासून 27 किलोमीटर पाचोली पासून 12 किलोमीटर दूरीवर महादेवचा एक विशाल असा एक पेच नदीच्या काठावर असलेला हा घोगरा महादेव, जिथे शिवरात्रीच्या दिवशी आणि शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी 3 दिवसाची यात्रा इथे भरतात, भाविक इथे येतात। आपण बघू शकता की आज शिवरात्रीचा दुसरा दिवस आहे, भाविकांची रांग एवढी लांब लांब आहे आणि भाविक इथे शिवजीचे दर्शन करण्यासाठी या छोट्या घोगरा महादेवच्या प्रसिद्ध महादेवाच्या मंदिरात आलेले आहेत। चला 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 कोणता चॅनल आहे का? कोणता चॅनल? वंश न्यूज चॅनल। चला चला पूजा करू लागली होता नागपुर से लेकर 27 किलोमीटर दूर नागपुर के ग्रामीण भाग में एक पारशिवनी तहसील के अंतर्गत आने वाला घोगरे का प्रसिद्ध महादेव देवस्थान है।
जहाँ पर आप देख सकते कि आज हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त लोग महादेव जी का दर्शन लेने यहाँ पर आए हैं। नदी का पात्र जो है वो लगकर यहाँ से गया हुआ है और इसी नदी के पात्र में यहाँ पर घोगरे के प्रसिद्ध महादेव का मंदिर और देवस्थान है। यहाँ पर ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अध्यक्ष है संपत राव जी थोटे जी, आज हम उन्हीं से बात करने वाले। मुझे एक बात बताइए, आप इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हो और जिलाधिकारी व्यवस्थापन कार्यालय के माध्यम से इस घोगरा के महादेव यात्रा का जो त्योहार था या यात्रा का जो भी ये 3 दिन का जो मेला था उस मेले को अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर मेले का उत्सव यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या बताना चाहोगे आप? ये सब भगवान का जो भोलेनाथ की ये कृपा है कि ये मेले का आयोजन जन नहीं था, फिर भी उसके कृपा से और बाकी लोगों के इससे मेला भरने दिया। ये आज का स्थान नहीं है, ये प्राचीन काल से आ रहा है। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं थी या बहुत सारी दुर्घटना होती थी, पहले एक ही रास्ता था आने जाने के लिए, लेकिन यह सुविधा कुछ नहीं थी। 2004 से हमारी टीम कि यह अंधा लगड़ा पहुँचना चाहिए और यह कुछ बनना चाहिए, इसके लिए 2004 से 84 घोगरा नारायण देव ज्योतिर्लिंग सेवा मंडल यहाँ पे हमने स्थापित किया और यहाँ पे एक आने के लिए दर्शन के लिए एक मार्ग निकाला, एक रिटर्न मार्ग निकाला जाने के लिए। और यह सुविधा नहीं थी कई छाप के लिए तो सप्तऋषि का मठ भी वहाँ पे बनाया है। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ के स्थानीय जो विधायक है आशीष जी जायसवाल, इनके माध्यम से करीबन 2 करोड़ रुपए का खर्चा करके यहाँ पर कुछ रास्ते की सुविधाएं उपलब्ध करा दी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी पर्यटन स्थल का विकास के हेतु, उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दिख नहीं रही, क्या बताना चाहूँगा? उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे देवस्थान के लिए जगह नहीं है, सब इधर उधर मालिक हक की जगह है और जो भी जिसने भी दान दिया था, जिसने अभी वो खेत को बेचा गया फिर वो दूसरे ने लिया, वो बोलते मेरी जगह आसपास की। जयसवाल साहब ने यहाँ रोड बना के दिया और यहाँ शौचालय के लिए पिछले साल से पैसा आके पड़ा है, लेकिन उसका काम ही नहीं हो रहा, होने नहीं दे रहा है। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है जो यहाँ पर जैसे शौचालय की व्यवस्था की बात हो रही है लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए हम जिम्मेदार मानते प्रशासक लोगों को, जो अधिकारी लोग है, जो यहाँ पे पद अधिकारी है वो लोग इसके जिम्मेदार है। स्थानीय प्रशासन जो है, तहसीलदार है या फिर कलेक्टर, इनके माध्यम से जो व्यवस्था, तहसीलदार है, तहसीलदार है और जिला अधिकारी है और यहाँ के जो विधायक है और यहाँ का जो ग्राम सरपंच और जो क्या बोलते नगर अध्यक्ष, ये सब इसकी जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। क्या यहाँ के जो नगराध्यक्ष है उनकी विकास के प्रति यहाँ पर कुछ मतलब दुर्भावना है या फिर राजनीति कुछ एक दूसरे के खिलाफ? नहीं, राजनीति वाजनीति कुछ नहीं है, बात यही है कि यहाँ देवस्थान के लिए जगह नहीं है और जगह नहीं रहने के कारण यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये बूढ़ी क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे सरकारी जो फंड आता है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगा सकते, ऐसा शासन का और जो तहसीलदार जो आमदार। ये जो निसर्ग रम्य पर्यटन स्थल है जहाँ पर पिछले करीबन 30-40 सालों से यहाँ पर यात्रा का आयोजन होता है और जिस तरीके से यहाँ पर नागपुर से लेकर आजू बाजू के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग यहाँ पर, हजारों की भीड़ में लोग आते, लेकिन उनको जिस तरीके से सुविधाएं चाहिए उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्या दुख लगता है आपको? यहाँ पे बहुत दुख लगता है, यहाँ पे या कोई सुविधा नहीं थी ना हो रही है। यहाँ पे अभी जो कुछ जो हमको जो मदद मिलती है आम जनता से, एक एक दो दो रुपए के माध्यम से, तो यहाँ पे हमने जितनी कुछ या अंधा लगड़ा पहुँचने के लिए सुविधा हमने बनाई, अभी आ रहे हैं, लेकिन शासन की यहाँ पे हमको कुछ मदद नहीं है। अच्छा, आप अपने यहाँ के ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ आने वाले भक्त भक्तों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं कुछ? हम यहाँ के लिए जो भक्त लोग आते हैं, हर साल हम 12 ने बान का मुख 4 ने कर साथ, महाशिवरात्रि एकादशी रहती है उसके लिए सबके लिए जितनी भी पब्लिक आती है सबके लिए फरारी भंडार जो साबुदाने की खिचड़ी बनती है सबको वितरण होता है। दूसरे दिन महाप्रसाद जो आलू भात अपन बोलते हैं उसका वितरण हम लोग करते हैं और कढ़ाई प्रसाद उनका वितरण करते हैं और चाय भंडारा। ये 2 साल से कोरोना के काल से ये सब बंद है।
तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ का जो प्रसिद्ध महादेव घोघरे का महादेव करके जो देवस्थान है, यहाँ पर पहुँचने के लिए भक्तों को तो बहुत परेशानी थी, लेकिन जिस तरीके से जो रास्ता चाहिए था वो रास्ते का थोड़ा बहुत निर्माण तो हो चुका, आने और जाने के लिए तो मार्ग तो बन चुका, लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें जो भक्तों को चाहिए, चाहे शौचालय की हो, चाहे पीने के स्वच्छ पेयजल की हो, जिस तरीके से व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन का अच्छा यहाँ पर बंदोबस्त देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपने तरीके से भक्तों की जो भीड़ है उसको, भीड़ को बराबर लिमिट में उनको बराबर संरक्षित कर रही है। और देखा जाए तो यहाँ पर कलेक्टर जो आर विमला मैम जो है, उन्होंने नागपुर जिले के जो जिलाधिकारी मैम है, इन्होंने इस ओर ध्यान देना जरूरी है। तेज नदी का जो पात्र है, तेज नदी के इस पात्र में जो प्रसिद्ध देवस्थान है, यहाँ पर बुनियादी सहूलतें उपलब्ध कराई जाए, ऐसी यहाँ की मांग जो है वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष अध्यक्ष जी ने यहाँ पर की है। तब तक आप देखते रहिए वंश न्यूज चैनल, मैं सुनील साड़वे, तेज नदी के घोघरा के महादेव देवस्थान से। चला खबर व विज्ञापन हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सावे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।